गुड मॉर्निंग साहब. गुड मॉर्निंग साहब. मैंने पहले आपको कहीं देखा है? मुझे एक इंस्पेक्टर और एक सिक्योरिटी गार्ड का चोली दामन का रिश्ता होता है, जरूर ड्यूटी पर देखा होगा. याद आया, मेरा गांव, मेरा देश. मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए. फिल्मों के बहुत शौकीन लगते हो. क्या नाम है तुम्हारा? गब्बर. गब्बर, ओ गब्बर शोले. हम 10 हैं और तुम 1. अब 13 क्या होगा इंस्पेक्टर? ये ऑर्डर है. ऑर्डर, रुपए वैन में रखवा दीजिए. अरे तुमने वो फिल्म देखी थी सच्चा झूठा, राजेश खन्ना की? कैसे झूठ को सच बना देता है और सच को झूठ बना देता है. 13 बार छुप कर देख चुका हूँ उस फिल्म को, कैसे भूल सकता हूँ. उस फिल्म से ही तो पर्दे के पीछे छुपे हुए चोर को पकड़ना सीखा है. अच्छा, फिर मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. फिर मिलेंगे ना सर. वादा रहा. और आइंदा ड्यूटी के वक्त कभी फिल्म की बात की ना, तो मैं तुम्हें 13 बार 13 साल के लिए अंतर करवा दूंगा. समझ गए? वही जीप, वही वैन, गोलमाल है. इंस्पेक्टर, यू आर बुली. शोला और शबनम. चंदा और बिजली. राम और श्याम. रेशमा और शेरा. असली नकली. घोड़ा और गधा. हाथी और चूहा. बहुत हो गया नाच गाना, पैसे वैन में रखो. हलवा है क्या? सुबह सुबह चढ़ा रखी है क्या? अरे नशा तो अब टूटा है. जानता मैं कौन हूँ? आंखें अब खुली है. आंखें बंद कर दूंगा. काला पानी भिजवा दूंगा. मेरा पैसे ले जाने का ऑर्डर. तो ये क्या है? क्या? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं. नाम है टीका. टीका? शिकंजे से छुड़ा लाया. तुम्हारी हिम्मत और ताकत ने भुजंग की तकदीर को 4 चांद लगा दिए हैं डीका. आज तुम जो चाहो मांग सकते हो, हम इनकार नहीं करेंगे.
आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा भूषण, कभी नहीं। कभी नहीं करेगा? अरे डॉक्टर डॉक्टरी छोड़ सकता है, अध्यापक पढ़ाना छोड़ सकता है, लोहार लोहा जलाना छोड़ सकता है, तो फिर मुजरिम जुर्म करना कैसे छोड़ सकता है डीका? बरसों से मैं आपके लिए जुर्म कर रहा हूं, और आज के काम के बाद मैं समझता हूं कि मैंने आपकी परवरिश का कर्ज उतार दिया है। आज के बाद मैं अपनी जिंदगी का मालिक खुद हूं। समुंदर में गिरने पर अगर तैरने से इनकार करोगे डीका तो डूब जाओगे। समुंदर तो क्या, मैं सैलाब और जलजले को भी मात देना जानता हूं। खौफ एक कमजोर का साया होता है और बहादुरी एक निडर का हथियार। मैं अपनी जिंदगी जीने जा रहा हूं भुजंग, अगर किसी ने उसमें रुकावट डालने की कोशिश भी की तो मैं उसकी जिंदगी को वहीं रोक दूंगा। सांप को उसी के जहर से मारने में अकलमंदी है डैड। चलो नो प्रॉब्लम। रिश्ते में तो हम तुम्हारे दादा लगते हैं। नाम है उज्जवल राजा बुल्ली। अब बाकी की जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे ना। बोल डीका बोल 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 बोल। अबे बोलता हूँ, पहले सीधा तो खड़ा हो। जेल से छूटते ही तेरी बेटी को उठा ले जाऊंगा। ऐसा मत करना डीका, सच उठा ले जाऊंगा। तू तो जानता मीना बेटी मेरी कमजोरी है। ऐसा मत करना। नो प्लीज अरेस्ट मी। अरेस्ट हिम। फोटोग्राफर नहीं आया? क्या देखता है साला? पहली बार एक छोटा मोटा हाथ मारा, पकड़ लिया तुम लोगों ने। 14 दिन अंदर चक्की पिसवाया, तुम्हारे बाप का नौकर हूं मैं। क्या मुंह दिखाऊंगा माँ को यार? माँ जी से माफी मांग लेना यार। अरे क्या माफी मांगना, माँ ने नहीं छोड़ना मुझे। अरे यार काम के सिलसिले में जब बेटा दुबई से लौट कर आता है तो माँ उसे गले लगा लेती है। मतलब साफ है, मैंने पूरी बस्ती वालों को बोल दिया कि तू आज दुबई से आ रहा है, इसलिए बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहे हैं सब लोग। रिटर्न फ्रॉम दुबई। दुबई दुबई, आइडिया अच्छा है। चल। लेकिन दुबई से मैं खाली हाथ लौटा हूँ? अबे बस्ती में खाली हाथ जाऊंगा तो अपनी इज्जत खस्ती हो जाएगी ना। अब आगे क्या करना है तू ही जाने। बड़ी मदद कर रहे हैं। पुरके में नारी अबला बेचारी। तू तो मुझे कोई बाजार की औरत लगती है, भाग यहां से। आपके बेटे ने तो मुझे बाजार में खड़ा किया है। मेरे बेटे ने? अरे मेरा बेटा तो इंतहाई शरीफ इंसान है। इसी होटल के फैमिली रूम में उसने अपनी शराबत मेरी कोक में डाल दी थी। पहले दोस्ती की फिर शादी। शादी? मेरे बेटे कमाल ने शादी की। और नहीं तो क्या, यही तो तुम्हारे बेटे कमाल का धमाल है। जमाल बेटा दादा जान को सलाम करो। 2 महीने से वो घर नहीं लौटे, घर के सारे बिल अधूरे पड़े हैं, घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अरे ये फूटी कौड़ी की बच्ची चली जा, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि पुलिस आए, मेरा इंटरव्यू हो, सारी बातें अखबार में छपे, तू और तेरे बेटे का मुंह काला हो, सारी दुनिया तुम पर थूके, ये होटल बंद हो जाए। बुला पुलिस को, बुला बुला। अरे क्यों राजधानी इधर भाग रही है? पैसे और फूट यहाँ से। फूटती हूँ ससुर जान, जब मेरे वो आ जाए तो उनकी फुटपुटी पर कस के मारना, कहना कि सुल्तान आई थी, जमाल बेटा दादा जान को सलाम करो। कोई कहे दीवाना, कोई कहे अनजान।
प्यार से मुझको माने पाला, सर पे सुख का आंचल डाला। मुश्किल है ममता का मोल तो चुकाना, कोई कहे दीवाना कोई कहे अनजाना, कोई कहे दीवाना कोई कहे अनजाना। कौन हूँ मैं क्या हूँ ये किसी ने न जाना, कौन हूँ मैं क्या हूँ ये किसी ने न जाना। माँ का टेस्ट लिया, अभी रिपोर्ट आएगी तो मालूम पड़ेगा ना क्या हुआ है। मिस्टर इंदर, लो डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, माँ ठीक है ना? हाँ ठीक तो हो जाएंगी, शुक्र है, लेकिन ऑपरेशन का होना बड़ा जरूरी है। ऑपरेशन? ओपन हार्ट सर्जरी। दिल का, दिल की सर्जरी? और उसके लिए कम से कम 1,00,000 रुपए का खर्चा आएगा। 1,00,000? और वो भी आपको कैशियर के पास पहले जमा करवाना पड़ेगा। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं पैसे जमा करा दूंगा। ठीक है जी। 1,00,000? चल माँ जल्दी खाना दे, बहुत भूख लग रही है। आ जा, जब देखो घोड़े पे सवार चला आता है। क्या खुशबू है माँ खाने की, तेरा खाना तो टीवी पे आना चाहिए। चोरी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है तुझे क्या फिर से चोरी? नहीं माँ, चोरी नहीं। माँ मुझे पैसों की जरूरत है माँ। वो क्या कि वो तुम्हारे टिकट खरीदा ना वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। जय माता दी। देवी माता का नाम लेकर तू कितने पैसे ऐड चुका है रे? अरे बेटे, तुझमें मुझे मेरा खोया हुआ बेटा नजर आता है। इसी प्यार के रिश्ते से तो मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया है रे, और तू मेरी अद्धी ममता का फायदा उठाता है। नहीं माँ, अगर तू ये हरकतें नहीं छोड़ेगा ना तो मैं तुझे एक दिन छोड़कर चली जाऊंगी। सच कहती माँ, कैसी बातें करती हूँ तू। इना भैया, ये मेरी तरफ से 500 रुपए माँ जी के इलाज के लिए। इना भैया, मेरे पास इतने ही है, ये हमारी तरफ से रख लो। ये मेरी तरफ से। बहुत 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 धन्यवाद। अरे आप लोगों के जज्बात ने आज इंदर को खरीद लिया, लेकिन लेकिन इतने रुपयों में मैं अपनी माँ की जिंदगी नहीं बचा सकता। डॉक्टर का कहना कि ऑपरेशन के लिए 1,00,000 रुपए की जरूरत है। अब आप लोग ही बताइए कि मैं 1,00,000 रुपए कहां से लाऊं? कहां से लाऊं इतने इतने ढेर सारे रुपए? मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ सब मेरे कर्मों की सजा मेरी माँ को मिल रही है। निराश ना ही ना हो ना भैया, जहाँ डॉक्टर की दवा काम में नहीं आवत है वहाँ गरीबन की दुआ काम में आवत है। चाचा, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, ये लो। आज तुम्हारी माँ नहीं है ना, इसलिए मेरी माँ ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। अरे ले लो, ले लो, खा ले। खा लो। बैंक का चोर फरार। मीना बेटी, आंखें खोल मीना बेटी। पर डीका नहीं फीका, मेरा मतलब तुम्हारा डैडी हूँ। डैडी आप? हाँ, तेरा बाप। क्या कर रही हो? मगर डैडी, आपने मुझे डराया क्यों? तुमने डराने का मौका नहीं दिया, उसे पहले बेहोश हो गई। डीका को गिरफ्तार करके मैं एक मामूली इंस्पेक्टर से बहुत बड़ा डीसीपी बन गया और तुम बहादुर से बेहोश। क्या कर रही हो? मैं क्या करूँ, जब भी डीका के बारे में सोचती हूँ मेरे तो पसीने छूट जाते हैं। याद है जेल जाते वक्त उसने क्या कहा था?
कैसे भूल सकता हूँ हरामजादे की धमकी को कि जेल से छूटते तुझे उठा कर ले जाएगा। बुली साहब, ओ बुली साहब। डैडी बाल। सॉरी शेर जी, आप जैसे करोड़पति अरबपति के कदम और मेरे गरीब खाने पर। अंकल वो शनि बेटे की जिद हमें यहाँ खींच लाए। मीना, कमीना। मीना 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 के सिवाय से कुछ दिखाई नहीं देता। हे शनि, क्या कर रहे हो? ये क्या काला डिब्बा आंखों से लगा रखा है? ये काला डिब्बा नहीं है तो? ये तो कैमरा है। अच्छा, इसमें मैं अपने प्यार की तस्वीर ले रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। आज शाम को मेरे साथ डिस्को चलोगी ना? आज मुझे बहुत काम है, यू नो, स्विमिंग जाना है, फिर वैक्सिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल। I'm very busy today. कितना प्यार है इन दोनों में, प्यार बेशुमार। अच्छा चलती हूँ शनि, फिर कभी चलेंगे डिस्को, आज तुम खिसको। ओके बाय। ओह बाय एवरीबॉडी, बाय। बोली यार, मेरा ख्याल है इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। मीना राजी तो है ना? कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी, मीना 7 जन्म लेगी तब भी आप जैसा खानदान नहीं मिल सकता। मीना। अरे हाँ, तुम्हारा ये लिबास देखकर याद आया, तुम्हारा मुजरिम डीका जेल से कब छूट रहा है? कल सुबह। बुल्ली अंकल को भी अभी आना था। दीका, मुझे पहचाना? मैं बुल्ली। जब तुम अंदर गए थे तो मैं इंस्पेक्टर था, जब तुम बाहर आए तो मैं डीसीपी हो गया। डीसीपी, यू आर बुल्ली। जब से मैंने ड्यूटी संभाली है, शहर के सारे गुंडे तीर्थ यात्रा पे चले गए हैं, यू नो दे आर स्केयर्ड ऑफ मी। तुम्हारा भी टिकट कटा, क्या करते हो? मेरी बातें सुनकर इतना डर गया कि चलना शुरू कर दिया। दीका, अब कहां जाने का इरादा है? बैंक। बैंक? तो वापस अंदर जेल में जाना चाहते हो? मतलब ये कि तुम बैंक में जाओगे, डाका डालोगे, डीसीपी बुल्ली वहां पहुंच जाएगा, तुम्हें गिरफ्तार करेगा और अंदर कर देगा। मैं बैंक में डाका डालने नहीं, अकाउंट खोलने जा रहा हूँ। जेल में काम करने के पैसे मिले हैं। चेंज मैन, चेंज मैन। तो बैंक में मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कम ऑन कम ऑन, आई एम ऑल्सो चेंज फ्रॉम इंस्पेक्टर टू डीसीपी। कम ऑन कम ऑन। देखा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये डीसीपी यू आर बुल्ली तुम्हारी गुल्ली उड़ा देगा। चलो। मैडम। यस। मुझे एक अकाउंट खोलना है। ये लीजिए, फॉर्म भर दीजिए और किसी अकाउंट होल्डर को अगर आप जानते हो तो उसका सिग्नेचर यहाँ पे ले लीजिए। लेकिन मैं तो किसी को नहीं जानता। तो फिर आप यह अकाउंट नहीं खोल सकते। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का क्या मतलब होता है? ये मेरे 6 साल की कमाई है और आप कहती हैं अकाउंट नहीं खोल सकते? कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बैंक में डाका भर चुका है। हाथ ऊपर। तला गधा, सबसे ज्यादा तो खुद ही हिल रहा है। चलो सब एक तरफ हो जाओ। चलो चलो, एक खाली शर्ट हाथ में फोन में फोड़ दूंगा। चलो खबरदार, और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं खतरनाक डाकू हूँ। चलो चलो जल्दी जल्दी, कम ऑन, हरी अप फास्ट। चोरी के पैसे भी तय करके आया। चोरी मारूंगा। क्या कहा? अपना बैंक में डाका? रामजादा डीका, चलो। चलो हरियो हरियो हरियो, फोन है फोन है, कोई हिलेगा नहीं। कमा दो, देखो देखो देखो। शिट। अरे ये तो ऊपर, यो ब्लडी फूल, तुमने यार जान पूछ के मेरा बैग अटका है, बाहर आके निकाल, अगर गुस्सा आया तो मैं बैग उड़ा दूंगा। अरे मेरा पैसा, अरे मैं कैसे निकालूं? चलो इधर चलो, निकालो तो मेरा, चलो जब 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 निकालो तो चलो निकालो मेरा पैसा। Thank you.
मुझे पैसों की जरूरत है और यहां पुलिस आ गई, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। गाड़ी चली जा, अरे गाड़ी चली जा, नहीं तो बम से उड़ा दूंगा मैं बैंक को, मैं उड़ा रहा हूं। इधर 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 चल चल, घोड़ा बन, घोड़ा बन, मैं घोड़ा बने तो बम से उड़ा दूंगा, चलो जल्दी आते आते मुझे। दीका, मेरी वार्निंग के बावजूद तूने बैंक को लूटा, तेरा खेल खत्म हो चुका है। पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया है, चुपचाप बाहर आ जा वरना। तू मुझे बेवकूफ समझता है, अपनी बंदूक साथ वाले को दे दी और समझता कि मैं तेरा नाटक नहीं समझूंगा। ये नाटक नहीं, हकीकत है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर नहीं, डीसीपी बुल्ली, डीसीपी यू आर बुल्ली। बोल चोरी तूने की है, बोल। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, ये चोरी मैंने नहीं की है। चोरी तो मैंने की है, फिर दोनों क्यों लड़ रहे हैं? क्या कहा? देख तूने कुछ उल्टा सीधा किया ना, तो मैं तुझे जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। मेरे पास गिनने तक अगर तुमने नाटक खत्म नहीं किया तो मार दिए जाओगे। एक ए, क्या हो तुझे? ए, उठ, उठ, अरे उठ, बहुत चोरी मैंने नहीं किया, बोल। अरे बोल, बहुत चोरी मैंने नहीं किया, बोल। बहुत चोरी तूने किया, बहुत चोरी तूने किया, बोल बोल। ए बड़ी जानी पहचानी चीज है क्या ये? ग्रेनेड भागो! टीका, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुल्ली के सर पे खून सवार है, वो समझता है बैंक में डाका मैंने डाला है। अब पुलिस स्टेशन जाकर ही इस मामले को हल करना होगा। नहीं, पुलिस स्टेशन मत लेके जाना मुझे, मुझे इन पैसों की संग जरूरत है। चल, पैसों की तुझे जरूरत है तो मुझे क्यों फंसा रहा है? मैं पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाने दूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जितने छेद डीसीपी यूआर बुल्ली की वर्दी में हुए हैं उतने छेद मैं डीका के सीने में कर दूंगा। क्या है बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो, वो भी आज? मैं ये पूछने आई हूँ कि आपने मेरी शादी मुझसे पूछे बिना शनि से कैसे तय कर दी। ये घर की बातें हैं, घर में करेंगे, अभी जाओ जाओ। मगर जाओ। आप घर में मिलते कहाँ हैं डैड? मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अंडरस्टैंड? टीका, आखिर तुझे मेरी ताकत का अंदाजा हो गया और तू अपने आप को सरेंडर करने चला आया। गुड बाय, गुड बाय, अरेस्ट हिम। गिरफ्तार करो, जल्दी गिरफ्तार। मुझे मालूम था कि इस बैंक की चोरी का शक तुम मुझ पर करोगे, इसलिए मैं इसे पकड़ कर लाया हूँ। चल अपना जुर्म कबूल कर, कबूल कर अपना जुर्म। गर्दन छोड़ोगे तो दवा नहीं लेगी ना? बोल, बैंक में डाका तुमने डाला है, बोल। मुझे जेल नहीं जाना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या कहा? क्या कहा? बोल, चोरी तूने की है, मेरी कनपट्टी में बंदूक तूने लगाई है और अब बोलता है कि तुझे कुछ नहीं कहना, बोल नहीं तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। बोल, बोलता हूँ, बोलता हूँ, बोलता हूँ। उधर बोल। डीसीपी साहब, भगवान करे आप बहुत जल्द कमिश्नर बन जाए। मैंने मजबूरन चोरी की। मैं कबूल करता हूँ कि मैंने जुर्म किया। हेलो सर, चोट तो नहीं है? ठीक है, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने जुर्म किया, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि मैंने ये जुर्म इसके कहने पे किया। आप, तेरी ये नाटकबाजी यहाँ नहीं चल सकती दीका। कितनी बार मैंने तुमसे कहा ये चोरी मैंने नहीं की है, चोरी उसने की है, सारा माल लेके भाग गया है।
खबरदार कोई आगे आया, खबरदार गोली मत, खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी खोपड़ी। चल बेटी, मेरी बेटी, चल बेटी, गोली मत, गोली मत चलाओ, जाओ जा पता करो दूसरी जीप है कि नहीं, गोली मत चलाना। देखा मेरी मीनू को उठा कर ले गया, अगर मेरी मीनू नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा डैडी, मैं अपनी जान दे दूंगा। बेटा तुझे मीना जरूर मिलेगी, संभालो अपने आप को, संभालो। मैं डीका से मीनू को लेकर आऊंगा, मीनू। शनि, शनि संभालो अपने आप को, होश आओ शनि, होश आओ शनि, होश आओ शनि, होश आओ। मंगल बेटे, डीका ने पहले भी मेरे खुशियों को जलाकर राख कर दिया है, लेकिन अब मैं शनि के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। डीका जादे, मुझसे बचकर कहां जाएगा? मानो नहीं। सत्यानाश अली, हाँ डप्पा, तू नया आदमी, लाइफ में दो ही टाइम ऐसे गाड़ी लेके भागता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो। मगर इस रेस ने मेरा फेस तो खराब कर दिया ना, एक तो हूँ भिखारी, ऊपर से टूंडा हो गया मेरे फेस का कूंडा। अबे तो हिलना तो बंद कर, या तो बात कर, या हिल। क्या करूँ, ऊपर वाले ने अपनी बॉडी कुछ ऐसी बनाई है, कंट्रोल में रहती नहीं है। अरे नहीं बुडू, नहीं, तेरे को कंट्रोल में रखने के लिए तो मेरे को ऊपर वाले ने नीचे भेजा है। चल अपन भीख मांगेंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने पुलिस स्टेशन से भागकर डीसीपी का शक यकीन में बदल दिया है कि चोरी मैंने करवाई है। एक बात याद रखो, जब तक तुम अपना जुर्म कबूल नहीं करते ना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मेरी तो किस्मत ही खराब थी, किस्मत ही खराब थी कि बैंक में तुम मिल गए। अरे छोटी सी चोरी क्या की तुमने, गुनाहों की माला बनाकर गले में डाल दी, सारी पुलिस फोर्स कुत्ते की तरह पीछे पड़ी हुई है। तुम नहीं जानते मुझे इन पैसों की कितनी जरूरत है। Shut up, भाई। जल्दी से मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। क्यों? वरना मैं तुझे मैं इसकी गर्दन दबा दूंगा। अबे छोड़, अबे छोड़, अबे तू आदमी है क्या जानवर है? सही जगह लेकर आ गया, एक मिनट, अभी आया। डॉक्टर साहब धीरे से बात करना, हमारा राज सो रहा है। वो क्या, मेरे एक दोस्त है, वो जख्मी हो गया, उसे ठीक। कुत्ता, घोड़ा, गधा, हाथी, कौन है? वो गधा है, गधा, गधा, गधा। जल्दी लेके आना। डॉक्टर मिल गया, बहुत अच्छा डॉक्टर मिल गया। मगर ये तो जानवरों का डॉक्टर लगता है। अरे तुम चुप बैठो, जानवर का डॉक्टर? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, जानवर के डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो? डॉक्टर डॉक्टर होता है। अरे जानवर का डॉक्टर क्या करेगा, कहाँ जाएंगे अब? और मैं कहाँ फंस गया मैं इसके साथ? अरे वर्ल्ड क्लास डॉक्टर है। बैग लाओ, बैग लाओ, और भागने की कोशिश मत करना। ये जानवर का डॉक्टर जानता क्या कर रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल। वेरी हैंडसम गधा। गोली निकाल, गोली। अरे यहाँ लगी हुई, यहाँ यहाँ अजोड़ा, अजोड़ा। अरे अरे खून, गोली। सोना सोना सोना, दोनों दांत के बीच में पकड़ना, तकलीफ कम हो जाएगा। इतना पार है को पकड़ना, डॉक्टरी को पकड़ के रखना, दर्द कम हो जाता है। डैडी, नल्ला इरक पोनी, इतनी छोटी गोली निकाल दी। हाँ अब उठो, हम जाएंगे, चलो। डॉक्टर, हम लोग यहाँ कुछ दिन रुक सकते हैं? ये जानवर का ही दवा करना नहीं सकते तुम? इधर रुकने की क्या जरूरत है? जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता ना, तुम लोग यहीं रहोगे। नहीं। हाँ। उसके बाद मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। नहीं। हाँ। अब इस लड़की को उस कुर्सी के साथ बांधो। बांधू? हाँ। जब तक ये मेरे पास रहेगी ना, पुल्ली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुल्ली? हाँ, जैसा मैं कहता वैसा करो। आओ भाई। देखो, I'm sorry, दिल छोटा मत करो, प्लीज डोंट क्राई, मैं तुम्हें बाद में छुड़ा लूंगा।
ये जैसा कहते हैं वैसा करो। मैं भी इसका साथ नहीं दूंगा, मेरा पैसा फंसा है ना। तुम्हारा नाम क्या है? मीना। मीना। डीका। आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी समझ गए? मुझे डीका चाहिए, सिर्फ डीका। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं धीरज रखो डीसीपी बोली। आई हैव ए प्लान। इंस्पेक्टर खड़े। यस सर। पूरे शहर में इना मीना डीका के पोस्टर्स लगवा दो। रिवार्ड 2 लाख। ओके सर। इससे आम जनता उनकी तलाश में लग जाएगी और उन बदमाशों का जीना हराम हो जाएगा और आपकी बेटी हमें आराम से मिल जाएगी। सर भगवान करे आपका प्लान कामयाब हो जाए। डीसीपी बुली, पैसे में बहुत ताकत होती है। देखो सर, मंगल को देखो। अबे क्यों गली के आवारा कुत्ते की तरह भौंक रहा है क्या? ये देखो गुरु। गली, और तो क्या लिखा है अभी? 2 लाख रुपया इनाम। 2 लाख? अबे ये तीनों अपने को मिल जाए तो अपन दिल्ली में भी फकीरों का ऑफिस खोल डालेंगे बे। नाम क्या तीनों का? इनाम मीना डीका। चिक बम बम बम, पैसे बिना दुनिया बेदम। बम चिक बम चिक बम बम बम, पैसे बिना दुनिया बेदम। तेरे द्वार खड़े हैं जोगी, तेरे द्वार खड़े हैं जोगी। न मांगे हीरा मोती, बस चाहे इना मीना डीका। तेरे द्वार खड़े हैं जोगी, तेरे द्वार खड़े हैं जोगी। न मांगे हीरा मोती, बस चाहे इना मीना डीका। तेरे द्वार खड़े हैं जोगी, तेरे द्वार खड़े हैं चल 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 चल।
अली इधर इना मीना डीका की बदबू आ रही है बे। वीरान जगे सुनी कुटिया यही मिलेगी थानेदार की बिटिया। बीबी के बीबी के बाहर निकल। बीबी के बाहर निकल। बीबी के अरे बाहर निकल। बीबी के बाहर निकल। बीबी के क्या है भाई क्या ये शोर लगा रखा है? कौन है? मैं ये बीबी के ये खाली की आंख दिखाने को आई। ये दर रोज 2 फुट बाहर आ रही है। अभी भी नहीं पकड़ा तो ये कल तक यहाँ तक आ जाएगी। इसका कुछ अरे भाई ये जानवरों का दवा खाना है। आपको हम क्या दिखते हैं? ये आवाज कह की थी वो बिल्ली। बिल्ली वो बिल्ली पेट से है ना? ओ बिल्ली पेट से। डॉक्टर बीबी के ये लोग पहले कभी देखा है क्या? नहीं हम किसी को नहीं जानते। हमारा वक्त तो यहाँ कुत्ते बिल्ली के इलाज में लगा रहता है। हम किसी को नहीं जानते। अरे वो डिलीवरी हो गई। बिल्ली माँ बन गए। अरे तू काहे को हिला? तेरी बहन लगती है क्या? अब मुझे वहाँ जाना वक्त नहीं है। बाय बाय। अली जब दूध में हल्दी और आदमी को जल्दी हो इसका मतलब तिनका है चोर की दाढ़ी में और लफड़ा है लाल गाड़ी में। कहाँ होगी मीना बेटी? कौन हो तुम लोग? कहाँ अंदर आ रहे हो? भेड़ बकरियों की तरह भागो। आदमी का टाइम खराब हो तो उसको शेर भी भेड़ बकरी दिखाई देते हैं। आई कितना अच्छा बंगला है, मेरे को तो ऐसा ही घर चाहिए। यहाँ पे कोई कवारा है? ढूंढते हैं। ठहरना। शट अप। गुल्ली साहब। गुल्ली नहीं बुल्ली। डीसीपी यू आर बुल्ली। हाँ बुल्ली साहब हम जानते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। कहाँ मेरी बेटी? ये क्या है? बंदूक। ये तो उंगली है। यू आर बुल्ली की उंगली से भी गोली चलती है। अबे डरा मत बे। कहाँ है मेरी बेटी? डीडीटी डीसीपी। एक ही बात है, तेरे को बेटी चाहिए अपने को पेटी चाहिए। पेटी? पुलिस में नवा है क्या? 25 साल से हूँ। तो 25 बरस में तेरे को मालूम नहीं पड़ा कि लाख को पेटी बोलते हैं? पुलिस ने बदमाश लोग के ऊपर 2 लाख का इनाम रखा है ना। तुम मुझको मेरी बेटी दिलवा दो, मैं तुमको इनाम दिलवा दूंगा। नहीं, नहीं इनाम तो हम लोग ले लेंगे मगर उससे पहले जरा। मतलब? मतलब नहीं समझा? नहीं अभी समझा दो। स्टार्ट। समझ गए? 100 रुपए के लिए इतना सर? 100 रुपए? ओए 10,000 देगा तो बताएंगे तेरी बेटी कहाँ है। 10,000? तुम एक मजबूर बाप को दबा रहे हो। जल्दी से दे दे वरना तेरी बेटी दब जाएंगी। नहीं नहीं ₹10,000 नहीं। कहीं तुम मुझे चकमा देकर भाग तो नहीं जाओगे? अबे चलो यार। एक मिनट यार, मैं मजाक कर रहा था। तुम छोटी मोटी बातों को दिल पर क्यों लगा लेते हो? ये लो डीडीटी डीसीपी बुल्ली। नो प्रॉब्लम अंकल, मैं शनि बोल रहा हूँ। मीनू का शनि। अंकल मीनू मिली? अरे शनि बेटा बस समझो मिल गई। तुम डैडी से कहो कि शादी की तैयारी करें। मैं मीना बेटी को लेकर आ रहा हूँ। ठीक हो जाएगा। नल इरका पुन्नी। कौन सा इंजेक्शन है ये? दर्द कम होने का इंजेक्शन। दर्द का? अच्छा अच्छा। का नहीं शेर का चमड़ी है। लाइन मादरी इरका है। ये चौकरी को कहीं को बांधा? ऐ तुम अपना काम करो, इंजेक्शन दो जल्दी। नल इरका पुन्नी। नल इरका पुन्नी। मैंने इंजेक्शन बदल दिया था। मुझे मारना मत, मुझे माफ कर दे। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है इसलिए मैंने तुझे नींद का इंजेक्शन दिया है। नल्ला इना पुन्नी। इना इससे पहले कि ये जला दूँ जाए मेरी रस्सी खोल दो ना प्लीज। व्हाई नॉट? प्लीज व्हाई नॉट? थैंक यू। या व्हाई नॉट? प्लीज पैसे ले लूं फिर निकल पड़ता है यहाँ से। कैसे लुड़काया मैंने इसे लाइक अ पीस ऑफ केक। मैंने तो बाएं हाथ का खेल था। काफी स्मार्ट हो तुम। यस श्योर। आई लव यू रसना। क्या हुआ? ये अरे क्या कर रहे हो जल्दी करो। अरे कोशिश कर रहा हूँ ये हाथ के शेर का पंजा। छोड़ना यार मुझे पैसों की जरूरत है। अच्छा थैंक यू इना।
अब मैं जाती हूँ, अगर ये शैतान उठ गया तो मुझे फिर से बांध देगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इना, ये तुमने क्या किया? और भागो, और भागो। इडियट। अब कैसे जाऊं? कुछ करो ना। मैं क्या करूं? ये तो फट गई है और फिर ये जानवरों का अस्पताल है। प्लीज कोई भी कपड़ा दे दो ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अगर ये उठ गया तो अनर्थ हो जाएगा, मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारी जान इतनी सस्ती है? अरे अगर मुझे पैसे नहीं मिले और तुम भी चली गई तो मामला चौपट हो जाएगा ना, इसलिए तुम वादा करो कि जब तक मुझे पैसे नहीं मिलते तुम यहाँ से नहीं जाओगी। कमान। हाँ हाँ, वादा करती हूँ। गुड। अब ये चावल है, लो। ओके। टॉवल में बाहर जाओगी तो हल्ला मच जाएगा,
मच जाएगा। भिखारी लोग आ रहे हैं, हमारे नाम पर इनाम है, मुझे पैसे लेने हैं, जल्दी कर वरना पकड़ा जाऊंगा मैं। जल्दी जल्दी आगे आगे यही है यही है यही है यही है। काटने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। अरे मेरे पीछे पुलिस भी पड़ी है, भिखारी भी पड़े हैं, मुझे सिर्फ लाख रुपए की जरूरत है। लाख रुपए तुम उठना नहीं है। अरे जल्दी डॉक्टर बीबी के लोरी गा रहा है क्या? बीबी के ये देख कैसा बोलता है, जरा बोलिए बता बे। डॉक्टर बिन बॉडी कबाब 12। ऐसा बोल, कोई जानवर का नाम लेके बोल जोर से। डॉक्टर बीवी के है? मेरा बंदर सीटी बजाता है लड़कियों को देख के, दरवाजा खोलो। डैडी मैं यहाँ हूँ। मीरा मीरा बेटी घबरा मत, मैं आ गया। भगवान का शुक्र है तूने मेरी इज्जत रख ली, वरना अगले शनिवार को सारी बिरादरी के सामने मेरी नाक कट जाती। मैंने तेरी शादी फिक्स कर दी है शनि के साथ। शनि से शादी? नो, नेवर। मीना बेटी दरवाजा खोलो, पापा आ गए। मुझे शादी नहीं करनी है, चलो ना मेरे साथ भाग चलो। अरे पल में तोला पल में माशा, डैडी कर रहे हैं मेरा तमाशा, चलो ना मेरे साथ। अरे तुम्हारे डैडी आ गए, मुझे पैसा मिल गया, तुम जाओ। पापा आ गए। मीना बेटी, मीना बेटी तुझे क्या हो गया? अरे बेवकूफ, मीना ने देखा है। मेरे देखना यार किधर गई, नीचे हो गई। मेरी बेटी डीसीपी किधर है? मेरी बेटी किधर है? अरे मुबारक हो, मुबारक हो, तेरी बेटी भाग गई। अबे तेरे को मुबारक का मतलब मालूम है? अरे ठहर यार, मेरे लगता है जानवरों की दवा को खाना समझ के खा गया, ऐसे लुढ़क गया। साथ ही लोग उठा इसको, कम से कम इनाम की आधी रकम 1,00,000 रुपया तो मिला। बेड नंबर 27 के अकाउंट में 1,00,000 रुपया जमा करो। लगता है अभी अभी बैंक से आए हैं। तुम रिसीट काटो। वो तो मैं काट ही दूंगा। आप लोगों का नया अपॉइंटमेंट हुआ है? कोई शक? नर्स हाँ, यस। तुम रिसीट लो, मैं पेशेंट को चेक करने जा रहा हूँ। यस डॉक्टर। ये दवाई 5 नंबर को दे दो। यस डॉक्टर। बेटे इंदर कैसी हो माँ? इतने दिन कहाँ चला गया था रे? मैं तीर्थ यात्रा पे गया हुआ था। हाँ? भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि मेरी माँ ठीक हो जाए। भगवान ने मेरी सुन ली, उन्होंने मुझे जो प्रसाद दिया है ना, अब आपका ऑपरेशन होगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये डॉक्टर के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? माँ वो क्या है, मैंने सोचा ऑपरेशन करते वक्त कहीं डॉक्टर नर्वस ना हो जाए, मैं बीच मैदान में कूद पड़ूंगा और अपनी माँ को ठीक कर दूंगा। जो जी में आए बोलता है। अरे बेटे, ये मेरे ऑपरेशन के लिए इतने ढेर सारे पैसे तू कहाँ से लाएगा? मैं तो बोझ बन गई हूँ तुझ पर। माँ कभी बोझ नहीं होती अपने बेटे पर। मैंने पैसों का सब बंदोबस्त कर लिया है। कैसे? माँ मैं दुबई गया था ना। हाँ? और मेरा वो पैसों का बैग जो हवाई जहाज में रह गया था वो मिल गया ना। खा मेरी कसम। क्या खा मेरी कसम, खा मेरी कसम, मेरा यकीन नहीं करती क्या? मैं कोई चोर उचक्का बदमाश लफंगा हूँ? अरे तुझे ठीक करने के लिए अगर मुझे जरूरत पड़े ना तो मैं संजीवनी बूटी भी ले आऊँ। आखिर तू मेरी यशोदा मैया जो है, यहाँ से ठीक करके मैं तुझे 20 साल की कुड़ी बना के ले जाने वाला हूँ। 20 साल की? तो ये तो सब कुछ है मेरा, मेरी जान, मेरा संसार, तेरे सिवा मेरा ही कौन माँ? इतना प्यार करता है अपनी माँ से। अच्छा माँ, माँ मैं चलता हूँ, काम के सिलसिले मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। बाहर? लेकिन तू फिक्र मत कर, बस्ती में मैंने अंतनी को समझा दिया, आता रहेगा। हाँ। अच्छा अपना ख्याल रखना माँ। अच्छा। इंदर बेटे आखिर तू करता क्या है? यह है जी टीवी। जी टीवी? इसे कहते हैं पीस ऑफ केक। कितनी आसानी से अपना काम पटाया, मेरे बाएं हाथ का खेल था। सॉरी डॉक्टर। रुको, 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 रुको,
चलना अब। मैं आ रही। अरे आ ना, कहीं पकड़ी गई तो तेरा बाप तेरी शादी करा देगा, चला जा। okay. अरे एम्बुलेंस जा रही है। कहाँ देना? चल। हाथ देना। कुछ कुछ कुछ। शाबाश। मुल्ज़िम डी का, तुम्हें बैंक में डाका डालने और मीना को अगवा करने के जुर्म में 5 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई जाती है। अरे कोई गांव आ गया, चलो उतर उतर। थैंक यू ड्राइवर साहब, थैंक यू। अब भगवान करे यहाँ तो हमें कोई नहीं पहचाने, अब देखते क्या चलना। सफर और ये मौसम हसी, ओ मैं तो समझा उसने मुझे पहचान लिया। पहचान लिया? आज मेरा इंतजार खत्म हो गया, मुझे पता था तू जरूर आएगा। अरे ये क्या, तू डॉक्टर भी बन गया? मेरा राजू डॉक्टर? राजू? मैं जानती थी तू अपनी माँ का नाम जरूर रोशन करेगा, तुझे इस रूप में गांव वाले देखकर खुशी से पागल हो जाएंगे। अब अगर तू मुझे छोड़ के चला गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ चल बेटा घर चल, चलना। इस बुढ़िया की गलत फहमी का फायदा उठा ले ना, कुछ दिनों के लिए सर पे छत का इंतजाम तो हो ही जाएगा ना। मेरे लिए पाउडर लाए? क्यों मुंह लटकाए काहे बैठे हो? कल मर गवा का? मर नहीं गया, पैदा होने वाला है। बाप जी के घर 11वां बच्चा। तुम भी कमाल करते हो बाप जी। अरे इस उम्र में 4थी शादी की तो चलो की, पर बच्चा पैदा करने की तमन्ना काहे जाग उठी? अरे पहले के 10 कम थे का? अरे 10 बच्चे मेरे हैं, उस 4थी का तो एक भी नहीं, और फिर ये तमन्ना उसकी है मेरी नहीं, इसमें मैं क्या करता? बेचारे फुलवान दर्द के मारे तड़प रही है, कुछ करिए भैया। काशी भैया फिक्र की बात तो यह है कि अपने गांव की दाई दूसरे गांव गई है जचकी करवाने के लिए, अब इस बेचारे के साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो ऐसे कैसे उल्टा हो जाएगा। लक्ष्मी ये देखो मेरा राजू आ गया है, डॉक्टर बन गया है मेरा राजू। डॉक्टर? माँ। मेरा राजू? मेरी माँ। राजू? राजू डॉक्टर बन गया? राजू डॉक्टर? राजू डॉक्टर बन गया? डॉक्टर माँ। अरे तू भगवान का अवतार बन के आया है रे राजू बेटे। बाप जी की 11वीं औलाद को और तूने इस दुनिया में लाना है। हाँ। क्या? राजू, राजू, राजू। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब, सब कुछ आप ही के हाथ में है। क्या है? हाय अब नहीं सहा जाता, बुड्ढे तूने बातों ही बातों में बतंगड़ बना दिया। कुछ करो ना, कुछ करो ना। देखिए घबराइए, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ करो ना। मैं क्या करूं? क्या करे? ये मटका ठीक रहेगा। ओह नो 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 नो, डोंट वरी। बहन जी, बहन जी, जरा सांस खींच के प्रेम से बोलिए, जोर लगा के हैया। जोर लगा के हैया। जोर लगा के हैया। जोर लगा के हैया। जोर लगा के और जोर से। जोर लगा के हैया। जोर लगा के हैया। जोर लगा के हैया। जोर लगा के हैया। Ha ha ha!
अरे बाबजी राजू बेटा, तूने आज मेरा सर ऊंचा कर दिया। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। अच्छा नर्स, नर्स यस बताओ अंदर क्या हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ अंदर? वो तो जोर लगा के क्या नहीं लड़का हुआ है। तुम्हें इस काम का इनाम दिया जाएगा, जल्दी से पेश कीजिए। अरे अभी नहीं, पूरन मासी के दिन। कौन सी मासी? पूरन मासी। वो कहा है बेटा? तुम्हार स्वर्गवासी पिता हमको वचन दिए रहे कि तुम्हार शादी हमार तीनों बिटिया में से किसी एक से होगी। क्यों मौसी? हाँ बेटा, मगर वो मगर वो क्या, हम लोग राजपूत हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या बेटा, पहले जमाने के स्वयंवरों में लड़की लड़के को चुनती थी, लेकिन अब लड़का लड़की को चुनता है। ये हमारी परंपरा। परंपरा? मर गया। मर तो मैं गया हूँ सेठ जी, टीका ने अभी तक नहीं बताया कि उन्होंने मेरी बेटी को कहाँ छुपा रखा। हौसला रखिए बुली साहब, मीना अब हमारे घर के बहू है, हर हाल में हम उसे ढूंढ लेंगे। भगवान करे मेरी बेटी ठीक ठाक हो। अच्छा सेठ जी बाय। अब क्या लेने आए हो भाई? अभी हम लोग लेने नहीं बल्कि देने आए। क्या आए? टीका अगर जेल से भागेगा तो सीधा ईना के पास जाएगा, और हमें ईना के पास मीना मिल जाएंगी। तुम खाली और डब्बा को जेल में डाल दो, उधर से हम लोग टीका को लेके भाग जाएंगे। जेल का दरवाजा मगर खोलेगा कौन है? तुम हमें कर दो माफ, रास्ता हो जाएगा साफ। तुम्हारे अरमान जगाने आए हैं, तुम्हें जेल से भगाने आए हैं। इनाम में चाहिए हमें इनाम, फिर उसके बाद आराम से तुम जीना। बोलो डन 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 डन। लगता मेरी बेटी कुछ को मिल जाएगी। हम लोगों को गुलाटी, हम लोगों को ईलान से मिलाने का वादा किया था ना, तो वादा पूरा कर। पूरा कर, पूरा कर, कर कर कर। शेर अपना शिकार कभी नहीं मारता, और ईना सिर्फ मेरा शिकार है, सिर्फ मेरा। ऐसा भिखारी हम लोग। अरे तू तो कीड़े पड़े कीड़े। परसों पूरन मासी की रात है, परंपरा के अनुसार आज से राजू बेटा को पवित्र करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। सारी गर्मी बालों के छेद से निकल जाएगी। अरे मुझसे पूछ, मैंने 11 बच्चे पैदा किए हैं। ये चंदन है मेरे बेटे, इसको लगाने से तेरे बदन के पसीने से भी खुशबू आने लगेगी। ये भी हमारी परंपरा है। चलो बेटियों, अब तुम अपना कार्यक्रम शुरू करो। गंगा की तरह पवित्र हो जाओगे।
कंगा, कर दिया मुझे आधा नंगा। अब हल्दी लगाने की आखिरी रस्म मैं करूंगी। हाँ, ये ले। राजू के शरीर को तांबे की तरह चमका दे। डेफिनेटली ये भी परंपरा है। हाँ, ये भी परंपरा है। की रसद कदम परसों पूर्णमासी की रात आप सब आना नहीं भूलिएगा। राजू बेटे मैं मंदिर जा रही हूँ माथा टेकने। मीना बेटी तू इसके नहाने का इंतजाम कर दे। अच्छा क्यों नहीं क्यों दूल्हे राजा आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बड़ा अपने आप को तीस मार खा समझते थे। अगर मैं पहाड़ के नीचे आया हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। ना मैं तुम्हें साथ साथ लिए भागता और ना मैं यहाँ पहुँचता। ऐसे मसाला लगा रहे थे जैसे मुझे तंदूर में डालने वाले हैं। बहुत हो चुका। वहाँ का तो ऑपरेशन भी हो चुका होगा। अब मैं चला सीधा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? जी हाँ। क्यों? अपने जुर्म का इकबाल कर रहे उनसे साफ साफ कह दूंगा कि हाँ भाई चोरी मैंने की थी बैंक में, जो सजा देनी दे दो लेकिन इनसे तो बचूंगा ना। नहीं प्लीज ऐसा मत करना। अगर तुम पुलिस स्टेशन चले गए तो मुझे घर जाना पड़ेगा और फिर डैडी मेरी शादी करवा देंगे। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जो मैं कहूंगा करोगी? करूंगी। नीचे दबाओ, नीचे चलो। परसों सारे गांव वाले मिलकर मेरी बलि चढ़ाने पर उतारू हैं। दो दिन के अंदर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी आइडिया, तुम्हें हमारे साथ प्यार करने का नाटक करना पड़ेगा जिसे देख करो तीनों चिपकली और जलकर राख हो जाए। डन डन। सैया के साथ मड़ैया में, मड़ैया में बड़ा मजा आए लड़ैया में। सैया के साथ मड़ैया में, मड़ैया में बड़ा मजा आए लड़ैया में। टूट गई जोड़ी कलैया में, कलैया में टूट गई जोड़ी। करके जिया को जलाए, हाँ तकरार करके जिया को जलाए, वो ना कभी प्यार से पास आए। बुद्धू अनाड़ी बलम तेरे जैसा, देखा ना मैंने कहीं मर्द ऐसा। मोहे तरसाए जो
जी कैसी मिली है लुगाई, जब जुगनू चमके तलैया में, तलैया में बड़ा मजा आए लड़ैया में, सैया के साथ मड़ैया में, मड़ैया में बड़ा मजा आए लड़ैया में, टूट गई जोड़ी तलैया में, तलैया में टूट गई जोड़ी तलैया में, तलैया में बड़ा मजा आए लड़ैया में, सैया के साथ चंगुल से निकल आए तो फिर हम उसे अपना बना ही लेंगे। अब उस चम्मक छल्लो को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। मैं बोली, पहली बार तू ठीक बोली, कांटा कांटे से ही निकलता है। शहर की लौंडिया को गांव की नदी में नहाना भारी पड़ गया, बेचारी एक बार जो अंदर गई बाहर ही नहीं निकली। यहाँ नहाते हैं। मजा आए मड़ैया में, अब मजा आ रहा है ससुरी। मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ। अरे ये तो सचमुच डूब जाएगी। हाँ। मर जाएगी ये तो। हाँ। अब क्या होगा, राजू को बुलाना होगा। मैं बोली। हाँ तो ठीक बोली, चल चल चल, चल। अरे जो नाटक हम कर रहे थे उसका अंजाम ये होगा, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। अरे तू नहीं जानती मैं तुम्हें, तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो इना। सच बात तो ये है कि इस खेल में मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ। सच? तुमने पहले क्यों नहीं कहा था? तुमने पहले क्यों नहीं कहा था? हेलो। हेलो सिटी हॉस्पिटल, देखिए बेड नंबर 27 से किसी को बुला सकते हैं आप प्लीज? जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। ओके, बुलाने के लिए। हेलो, हाँ कौन बोलता है? हेलो एंथनी, मैं इंदर बोल रहा हूँ। इंदर? इना। अरे माँ कैसी है? अरे माँ फर्स्ट क्लास है, ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया, आप उन दो दिन के बाद उसको घर को लेके जाएगा। सुन माँ का ख्याल रखना, और देख ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाए, मैं दो एक दिन में आ रहा हूँ। अरे तू घबरा मत, आपू है ना, आपू नक्का बस्ती वाला, उसका ख्याल रखेगा। अच्छा तू बोल कहाँ से रहा है? गांव का नाम क्या? चंदनपुर। हेलो चंदनपुर, हेलो चंदनपुर गाँव। भैया चाय पीने यहाँ आ जाता हूँ। लो बीड़ी पियो। अरे
अरे सुनिए जी, आप लोगों ने इस आदमी को देखा है कहीं? अरे ये तो हमारा डॉक्टर बाबू है। डॉक्टर? हाँ, गांव में मिलेंगे, पास में ही है। डॉक्टर बाबू? कोई है तो नहीं ना? इससे पहले कि मुसीबत गले पड़े हमें चुपचाप इस गांव से चले जाना चाहिए। कल के हादसे के लिए हम बहुत शर्मिंदा है बेटा। हमारी बिटियन का बचपना मीना बिटिया की जान ले सकता था, हमें माफ कर दो। मौजी काका, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। इतने दिनों से मैं आप सबको धोखा देता रहा, माँ की ममता को धोखा देता रहा। ये तू क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, हकीकत तो ये है कि मैं तेरा राजू नहीं हूं। मेरा नाम मीना है, कानून की शिकंजे से भागा हुआ एक मुजरिम। उस दिन जब आप सब लोगों ने मुझे राजू समझा तो मैंने मौके का फायदा उठाया और यहाँ राजू बनकर रहने लगा। लेकिन इस झूठ की सजा अब तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारा ब्याह इसी गांव में होगा और वो भी जबरदस्ती। तू मीना को चाहता है ना? ये अंगूठी मैंने अपने बहू के लिए बनवाई थी, ये ले, ले ना। तू मीना को चाहता है ना? इसे पहना दे। हाँ बेटा, इसे पहना दे, यही तेरी सजा है। हाँ पहना दे, पहना दे। तेरा हे आजा ख्यालों में बसा लूं, तू तो दीवाना है
मिली है क्या खुशी। मुझे देखकर चौंक गया ना तू? हरामजादे, तुझे तो मैं पाताल में भी ढूंढ निकालता। मुझे नर्क में ढकेल कर खुद यहाँ स्वर्ग बसा रहा तू? ए बाबू, खबरदार जो तुमने हमारे बेटे को कुछ उलट कर। नहीं डीका, डीका मेरी बात सुन। अब सुनने को क्या रह गया है? कमान टूट जाए तो तीर किसी काम का नहीं रहता। तेरी एक चोरी ने मेरी जिंदगी की कमान तोड़ दी है और आज से तेरी बाकी जिंदगी का मालिक मैं हूँ। देखो डीका, मुझे अपनी गलती को एहसास हो चुका है। बहुत देर कर दी तूने। अरे मेरी बात का यकीन तो करो। यकीन? एक बार पहले भी मैंने तेरा यकीन पुलिस स्टेशन में किया था। राजू, मत मारो इसे, मत मारो इसे, माफ कर दो। असलियत जानने की कोशिश तो करो। क्या ये आज भी तुम्हें एक चोर बदमाश दिखाई देता है? इना अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार है। कसूर तुम्हारा नहीं है, शैतान तो अंधेरे को ही उजाला समझता है। तुम तो जानवर बन चुके हो, जो अच्छे बुरे में फर्क ही नहीं समझ सकता। बात बोलती है हाँ, जब जानवर कहा है तो जानवरों की हरकत भी सहनी पड़ेगी। चल राजू। बुली अंकल, बुली अंकल कर रहे हो भाई? बोले अंकल, हम जानते हैं मीनू यहां नहीं है, इसलिए आप मायूस हो गए। बोले अंकल, हाल तो हमारा भी यही है, इसलिए तो हम यहां हैं आपका मुंह ठीक करने के लिए। मीना बेटी ही तो एक सहारा है, वो है तो जिंदगी में उजाला, वरना हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है। बोले अंकल, आप घबराइए नहीं, मेरे भाई है ना, वो उसे ढूंढ रहे हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, जरूर ढूंढ निकालेंगे। Thank you.
चल चल। पिताजी सेठ जी, सारी पुलिस फोर्स डीका को ढूंढने में लगी हुई है। वो ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। आखिर डीका जेल से भागा कैसे? उसकी भी तहकीकात चल रही है। मैं तो तुम्हें एक होनहार ऑफिसर समझता था, मगर तुमने डीका को जेल से भगा दिया। सर वो मैं शट अप व्हाट। यह रहा तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर, यू मे गो नाउ। बेटी खाली डिब्बा। सत्यानाश और डीका का ताले ने से कसकस के फटके मारे हैं यार, क्या कलेजे में से इनाम का अरमान ही निकल गया। मुझे पाइस को भी पागल कुत्ते की तरह मारा। अरे आप लोग आ गए। अरे पाले ने हमारी बात सुन ली। ए बुल्ली। हाँ मैं। डीका को जेल से भगाने के जुर्म में मुझे पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया है। मुबारक हो। अबे तेरे मुबारकों को मतलब मालूम है? हाँ निकाल दिया तो हम क्या करेगा? मेरी मदद, मीना बेटी को उस बदमाश के चंगुल से बचाना होगा। डीका को पकड़वाना होगा। डीका? ओ नहीं बुल्ली साहब, हम लोग भिखारी हैं, कोई दारा सिंह नहीं। अरे उसकी फिक्र मत करो, दारा सिंह मैं तुम्हें बनाऊंगा, बहादुर निडर शूरवीर। अरे तेरे शोरबे के वीर में हम लोग का काय का फायदा? पहले ये तो बता, कोई हुई बेटी के बाप के जज्बात को फायदे के तराजू में तोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं समझता था भिखारियों के भी दिल होता है। ठीक बोलता है, भिखारियों के पास खाली दिल ही होता है। चल किया काम तेरा, चल। यानी तुम सब लोग मेरी फौज बनोगे? रुकना है, जिसका उड़ा आटा उसको पड़ेगा चाटा। रोको रोको, सांस रोको रोको, ऊंचा करो, रुक जाओ, हिलना नहीं, रोको रोको रोको, शाबाश रोको। बोले साहब अपने से नहीं होता, तुम करके दिखाओ, मांगता है तू। नो प्रॉब्लम, आई होल्ड इट, आटा स्टॉप वॉच, वेट अ मिनट, स्टार्ट। रेडी मजा आ रही ना? बहुत टाइम बाकी है, 20 सेकंड हुआ, 21 सेकंड हुआ, तो 18 सेकंड हुए, 21.5 सेकंड हुए। साढ़े 22, 23। मर जाएगा। अरे चीटिंग मत करो, ये मर जाएगा, बेचारा मर जाएगा। नहीं अरे सांस ले 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 ले। 23 सेकंड।
तक यू बांधे रखोगे? देखो तुम्हारा मतलब मुझसे है, इसमें मीना का कोई कसूर नहीं, इसको तो छोड़ दो। देखो मैं पुलिस स्टेशन जाने को तैयार हूं, क्यों नहीं मुझे पुलिस स्टेशन ले जाते? अरे जवाब तो दो। जवाब ही नहीं देता ये आदमी, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर तुम वापस लौटे तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ मर गए। क्या हुआ? यहाँ पे आ गए। सिखाऊंगा
तू मेरा शिकार, मैं तेरा शिकारी, मैं हूँ इस खेल का सच्चा खिलाड़ी। बल्ले 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 बल्ले। ये सब भाग गए बुल्ली, तुम्हारी हिजड़ों की फौज नौटंकी में अच्छी लगती है, युद्ध के मैदान में नहीं, समझे? अबे मुंह संभाल के बात कर, हिजड़ा होगा तू, तेरा बाप गलत बात करेगा जमीन में गुजर दूंगा। ए, ए, हम लोग क्यों लड़ रहे? मेरी मीनू को गुंडा फिर से भगा कर ले गया। मेरी मीनू, भिखारी अंकल मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मीनू। तुम हट जाओ शरी, इन भिखारियों से भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मीना को हम ढूंढेंगे, हम। नाचना जाने आंगन टेढ़ा, मीना बेटी को तुम्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हाथ मिलाने वाली क्या बात है? ये हाथ नहीं हथौड़ा है, अब बोल। हथौड़ा नीचे, मेरे हाथ में हथौड़ा नहीं बंदूक है, चल जाएगी तो मर जाएगा। अपने अपने हथियार फेंक दो, देख ली मेरी फौज। आओ भाई आओ आओ, चलो चल खाली। मारा मैंने, मारा इसको, मारा। बड़ी मुश्किल से उस शैतान से छुटकारा मिला ही ना, अब शहर लौट चलो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। कब तक यूं ही भागते फिरेंगे हम? हाँ लेकिन उससे पहले बचली जाना होगा, माँ से मिलने। ना जाने किस हाल में होगी वो। आइए माँ जी, आ जाओ। हाँ। आ जाओ माँ जी, आइए संभाल के। इंदर कहाँ है? इंदर बस ये तो कहा था बस्ती में है। वो क्या है माँ? इंदर 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 के नाम इनाम, वो क्या किया मेरे इंदर ने? कि वो, अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं? ओ माँ जी, वो जवाब दो। जवाब मैं देता हूँ माँ। तू, तेरी फोटो भी तो यहाँ छपी हुई है, इंदर कहाँ है? ओह इंदर, माँ जी मैं जानता हूँ आपका बेटा इंदर कहाँ है। आप मेरे साथ चलिए तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, उसी ने मुझे भेजा आपको लेने के लिए। वो खुद क्यों नहीं आया? माँ जी ये सवाल करने का वक्त नहीं है, पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। आपका इंदर बेताबी से इंतजार कर रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं माँ जी अकेली नहीं जाएंगी, मैं भी इनके साथ जाऊंगा। क्यों माँ? हम लोग भी आपके साथ जाएंगे। कोई नहीं जाएगा, हम लोग कोई जलसे पे जा रहे हैं कि तुम लोगों को साथ ले चले? एक बेटे को उसकी माँ से मिलवाना है और वो भी पुलिस की नजरों से बचकर, साथ चलेंगे। चल चल माँ। हाँ हाँ चलो। तुम भिखारियों की वजह से मेरी बेटी मुश्किलें पड़ गई, मेले में ऐसे नाच रहे थे जैसे कोटे पे कोई नाचने वाली। तुम ही से बात करो। उंगली नीचे करो। तुम लोगों को ट्रेनिंग मैंने इसलिए दी थी कि तुम मेरी ट्रेन पटरी से नीचे उतार दो। चड्डी में ज्यादा लगती है। मेरा बस चले तो चड्डी उतार कर मारू, सीधे खड़े रहो। देखो डीडीडी साहब, डीसीपी अपने को नहीं आता बोलने को, हम लोग मानते हैं कि हमारी वजह से आपकी बेटी गुम हो गई है, मगर वो मेले की भीड़ देखी आपने, उधर हाथी जावे तो खो जावे, तुम्हारी इतनी सी बेटी किधर से मिलेगी? अबे तू सीधा खड़ा ना, कितना हिल रहा है यार। अभी एक काम करो, हमको एक मौका और दो, हम लोग ढूंढ के लाते आपकी बेटी को। भाई लोग प्लीज। ठीक है, एक मौका और दिया, ये है मेरा घर। अच्छा, अरे यहाँ भी पोस्ट करूँ क्या करूँ? अरे बाप रे। माँ, माँ, इना भैया, ओ इना भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे माँ कहाँ है? अरे माँ जी को तुहार भागीदार डीका ले गवा है। क्या? हाँ, तेरे ही पास तुझसे मिलवाने। तुम लोगों ने माँ को डीका के हाथ सौंप दिया? हाँ। अरे ये तुमने क्या किया? अरे वो मेरा भागीदार नहीं, मेरा दुश्मन है वो। दुश्मन? बहुत गहरी चाल चल गया वो। अगर वो गहराई में समंदर है तो मैं भी पाताल हूँ, जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन मैं अपनी माँ को ढूंढ निकालूंगा। मीना, तुम यहाँ मेरा इंतजार करना,
इना मैं भी साथ चलूंगी। फिक्र मत करो, बस्ती वाले हैं तुम्हारे देखभाल के लिए। मगर मैं माँ को लेकर आता हूँ। डब्बा सेट, मैं हंडिया बोल रहा हूँ, इना और मीना बस्ती में आ पहुंचे। हाँ क्या जंग छिड़ गई मेरी बेटी के लिए। बेटी मेरी बेटी मिल गई। अरे मीना बेटी, मीना बेटी, अरे किधर मीना बेटी। इना भाग गया, इना भाग गया। हाँ यार मेरी बच्ची, अब तू जो करेगी वो मैं करूंगा। रियली डैडी, आप मेरी शादी शनि से तो नहीं करवाएंगे ना? नहीं, वो बुरे लोग हैं यार। डैडी साहब, ये इधर से इना तो भाग गया। तो मैं क्या करूं, मुझे मेरी बेटी मिल गई। अब तुम लोग जाकर इना को ढूंढो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। बहुत मुफ्त की रोटियां तोड़ी तुम लोगों ने, जाओ। अला कफन चोर बकरे की औलाद, डीडी साले कीड़े पड़ेंगे तेरे को। खुदवादा तोड़ता बोलता हम लोग रोटियां तोड़ते हैं, आराम खोर साला कुत्ता। उसे के नारा मिल गया, हमारी नैया में छेद करके चला गया, सब पानी पानी हो गया। अबे तू काय को फिकर करता है, हम लोग साले की ऐसी जगह पे छेद करेंगे, सारी जिंदगी वेल्डिंग कराते रहेगा, छेद बंद नहीं होगा साले का। लेकिन इना और डीका का क्या होगा? अबे भूत नहीं के गोली मत दे, हम लोग आए ना उन्हें ढूंढने के लिए। क्यों डब्बा? हाँ बाटली, रोने का नहीं बड़ू, आपू नहीं ना यार, हम मर गया क्या? बेटा इंदर अभी तक क्यों नहीं आया? वो तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आएगा माँ। ढूंढते ढूंढते तूने मुझे यहाँ कहीं कैद करके तो नहीं रखा? कैद तो तेरे बेटे ने मेरी जिंदगी को किया हुआ है। क्या? जब वो मिल जाएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, आजाद कर दूंगा तुझे। पता नहीं वो शैतान माँ को कहाँ ले गया होगा। अरे भाई चाय पिलाओ भाई। हैं? फोटो में देखो। हैं? हैं? यही है ये फोटो वाला, यही है फोटो वाला, यही है। हाँ। अबे क्या फेंकता है वो चिकना चुगरा, ये उबड़ खाबड़ इसका मुंह देख यार। बोलो लो लो कुछ। कट। इससे पैसे मत लेना, ये मेरे जैसा ही है। बेचारा। ढूंढते रह जाओगे। पकड़ा गया, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर। अरे तुमको इनाम का पैसा ही चाहिए ना, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी माँ मिलते ही मैं डीका और अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अरे चल चल, ये जज्बात की बात का चूना मत लगा हम लोग को। वो सारा जब से डीडीडी, क्या नाम है उसका, बुल्ली। हाँ वो बुल्ली जो अपनी खुली साथ दिखा, तब से हमारा इंसानों पे से विश्वास ही उठ गया। तुम सबके सब हरामी हो। देखो अगर मुझे मेरी माँ नहीं मिली ना तो मैं पुलिस में जाकर बोल दूंगा कि डीका को जेल से भगाने में तुम्हारा हाथ था, मैं सब जानता हूँ। ब्लैकमेल करता है क्या? सोच लो। लफड़ा लफड़ा। एक शरत पे छोड़ेंगे तेरे को। वो क्या? हम लोग भी चलेंगे तेरे साथ में, मंजूर है? मंजूर। माँ यही कहीं होने चाहिए, चल ढूंढे। तेरे द्वार खड़े हैं जोगी, तेरे द्वार खड़े हैं जोगी। अरे कहाँ जा रही है?
भागने की कोई जरूरत नहीं, तेरा बेटा यहाँ जरूर आएगा। मैं आ गया टीका। बेटा इंदर, बेटे तू आ गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं जानता था तू जरूर आएगा। कमजर्फ, मुझसे बदला लेने के लिए तू मेरी माँ को उठा ले आया, इतना गिर गया तू? गिराया तो तूने मुझे है। मैं तो शराफत की उड़ान उड़ना चाहता था, लेकिन तूने मेरे पंख काट दिए। मैं तो जीना चाहता था, लेकिन तूने मेरी सांस छीन ली। राम ज़ादे, छोड़ो। अरे पीटते वक्त हमारी एक भी हड्डी छोड़ी थी, आप कहते कि छोड़ दे। अरे छोड़ना नहीं सांस को। मीना बेटी, देखो तो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए साड़ी लाए हैं। मीना बेटी, मीना बेटी छोड़ दो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो तुम? लीव मी, ऐसे लीव मी। मीनू डालिंग कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नो प्रॉब्लम शनी। तकलीफ तो जरूर होती, अगर तुम्हारे भाई मुझे यहाँ ना ले आते तो। मतलब तुम यहाँ आने के लिए तैयार थी? ऑफ कोर्स। आग तो दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, तुम लोग जबरदस्ती उठा रहे, इसे क्यों लाए? मीना बेटी, तुम शनी से शादी करोगी ना? हाँ, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी अंकल। उन बदमाशों के साथ रहकर, मेरा मतलब है ईना और डीका के साथ रहकर, मुझे एहसास हुआ कि शनी जैसा बदमाश तो शरीफ इंसान तो मुझे सात जन्मों में नहीं मिल सकता। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि मैं जीऊंगी तो सिर्फ शनी के लिए और मरूंगी तो सिर्फ शनी के लिए। नो प्रॉब्लम डैडी। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? शनी बेटे। जी डैडी। तुम अपने होने वाली बीवी को अपना बेडरूम नहीं दिखाओगे? डैडी बेडरूम तो क्या, मैं तो उसे अपने बाथरूम तक दिखाऊंगा। नो प्रॉब्लम। कम ऑन डार्लिंग, लेट्स गो। संभल के शनी, एक्सक्यूज अस। बोली साहब, तुम अपने आप को आपके हवाले करने आया हूं। डीका और आपकी फौज भी मेरे साथ है। मीना कहाँ है? मीना क्यों, क्या हुआ मीना को? वो कल से लापता है। मैंने हर जगह उसे तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मीना, ये क्या कर रहे हो? आपके डैडी को फोन करो, उन्होंने कन्यादान जो करना है। हेलो, कौन बोल रहा है भाई? हेलो बुली अंकल, मैं आपका होने वाला दामाद शनी बोल रहा हूँ। कन्यादान करने की तैयारी कर लीजिए। शट अप, शट अप। डांटते क्यों? मीनू कह रही थी कि अगर आप मेरा कन्यादान नहीं करेंगे तो मेरा दान हो जाएगा। मीनू से बात कीजिए। मीना कहाँ? मीना बेटी, मेरी बात। हेलो मीना। हाँ मीना, देखो मैं सब समझ गया, तुम कहाँ हो? घबराना मत, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं जरूर आऊंगा। बाय बेटी, मैं आ रहा हूँ। अरे अरे, आप कहाँ चल दिए, आप कहाँ चल दिए? डीसीपी साहब, आप जानते नहीं, भुजंग एक जहरीला नाग है। मैं भुजंग की तो? अरे उससे मारने से पहले उसका जहर निकालना जरूरी है। मैं उससे? और जहर ताकत से नहीं, अकल से निकाला जाता है। अकल से? अकल से। तो तुम जाओ, समझदार है आप। भुजंग, मैं नहीं आ रहा हूं। शय और मात, आपसे जीतना नामुमकिन है पिताजी। मंगल बेटे, जीत तो हमारी उस दिन होगी जिस दिन टीका हमारे शिकंजे में होगा। जीत तो आपके दरवाजे पे खड़ी है। तुमने यहां आने की जुर्रत कैसे की? रावण ने हनुमान से भी यही पूछा था, लेकिन मैं यहां आग लगाने नहीं, मीना को लेने आया हूं। टीका के बदले एक हाथ ले तो एक हाथ दे। मीना यहां नहीं है। बस शनि, बस। ठीक है, लेन देन कहां होगा? कल सुबह टाइगर ब्रिज, ठीक 10 बजे। मीनू डार्लिंग, लेट्स गो, कम ऑन, कम। दीका, अब तुम जाओ। अबे क्या है, ऐसे कैसे जाओ? इसको हमने पकड़ा है,
हमको जब तक इनाम का पैसा नहीं मिलेगा हम ये सोने की मुर्गी को छोड़ने वाले नहीं, समझा? अरे मेरी बेटी की जान खतरे में है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। उस दिन तेरे हाथ कहाँ चले गए थे बुल्ली, जिस दिन तुझे तेरी बेटी मिल गई थी और हमें बड़ी बेरहमी से बाहर निकाल दिया। लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है, प्लीज। देखिए मैंने आपसे एक वादा किया था टीका लाने का, मैंने वो वादा पूरा किया। मीना एक बार यहाँ आ जाए, टीका को लाना मेरा काम, वादा करता हूँ मैं। ठीक है, इसकी जबान में तुम लोग को भरोसा नहीं है, मगर तेरी है। क्या बोल रहे भाई लोग? ठीक है, जाने दो। हां ठीक है ठीक है, जा जा जाना यार। इसकी तो छोड़ो पे आदमी बुल्लू करे पक्की रोके गिराता है। जा मीनू, डैड मेरी शादी। क्या नहीं मीनू, वो मेरी शादी। घबराने की कोई बात नहीं है डैड। क्यों ही ना, मां को छोड़ा है डैड। मैं जानता था कि अगर डीका ने कोई गड़बड़ की तो बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी, इसलिए मैं इस बुढ़िया को ले आया। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, अरे ये मेरे बच्चे को ले जा रहा है, पकड़ो कोई इसे पकड़ो। अरे तू तू तो वही है ना जो बचपन में मेरे बच्चे को उठा के ले गया था। हाँ। बता मेरा बच्चा कहाँ है? अरे जिस बेटे के लिए तू जिंदगी भर तड़पती रही वो यहाँ इस ब्रिज से नीचे कूद गया। दीका, दीका मेरा बेटा है। दीका? दीका अब तुझे इस जन्म में तो नहीं मिलेगा। हाँ। अब मीना की शादी शनि से ही होगी। हाँ? और मैं देखता हूँ कि तुम में से कोई क्या कर लेगा। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मेरे कारण तुम्हें कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी। नहीं नहीं मेरे भाई, असल में कसूरवार तो मैं हूँ तेरा। मैं तो बेटे का फर्ज निभा नहीं सका, वो फर्ज भी तू निभाता रहा। तूने माँ की जान बचाई और बदले में मैंने तुझे ये दिया कि मैं तेरी जान का दुश्मन बन गया। कसूरवार तो मैं हूँ, मैं हूँ। मैडम हम फुटपाथ के भिखारी, हमको तो पता ही नहीं था कि माँ किसको कहते हैं, मगर माँ की ममता में कितना दम होता है ये तुम्हारे कारण हमको आज ही पता चला। शाबाश जोड़ो जो। मगर मीना जी और माँ जी को बचाएंगे कैसे? भुजंग की लंका में आग लगाकर राख कर दूंगा, माँ और मीना को मैं जाकर ले गया। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। जल्दबाजी में बात और बिगड़ सकती है, हमें वैसी चाल चलनी पड़ेगी भुजंग अपने सपने भी न सोच सके। मीना के ब्याह के लिए उन्हें शादी के जोड़े की जरूरत होगी और अब वो शादी का जोड़ा बनाएगा टेलर मास्टर। अस्सलाम वालेकुम मियां, नाचीज को अकबर इलाहाबादी कहते हैं और अकबरी बेगम के शौहर लगते हैं। आदाब। पुराने टेलर मास्टर जो है, पुराने टेलर मास्टर। पिछले 55 साल में 11,314 लड़कियों की शादी के जोड़े सी है इस जोड़ी ने। लेकिन यहाँ कैसे घुसाए? घुसाए जनाब, दरवाजे से दाखिल हुए अपनी बेगम के साथ और आप कहते हैं कि कैसे घुसाए? ए टेलर मास्टर, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ तमीज से बात करो मेरे चौधरी के चांद, हम तुम्हारे बाप के बाप की उम्र के हैं और आप हमें तुमसे मुखातिब कर रहे हैं। लहल विला कुवत अजी, वो जनाब जो भी यहाँ से दौड़ के गए हैं हम उनके चचेरे दादा जान है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि मुन्नी कहाँ है? ऐसा बकिया लगाएंगे कि हंसते हंसते दूल्हे की आगोश में आ जाएगी। 55 साल का तजुर्बा जो है ये फीता हर बार जीता, बस ये बताओ कि मुन्नी कहाँ है? मुन्नी ऊपर है। आओ बेगम आओ, जिस काम किया है वो तो कर ले। मिनू डार्लिंग, देखो तो कौन है। और एक टेलर ले आई, मैंने कहा ना मैं शादी नहीं करूंगी। अंकल अंकल जी, कैसे नहीं करोगी शादी?
जहाँ पहुँचे अकबर इलाहाबादी वहाँ तो ही हर हाल में शाहजी। मेरी जाने मन, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे मास्टर, ये क्या कर रहे हो? नाप रहे उल्लू के पट्टे, नाप रहे हैं। लिखो 36, लिखो 24, बहुत फुलक रहे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी तीस मार खान समझते थे अपने आप को। पीस ऑफ केक। बाय हाथ का खेल सामने। हेलो अंकल, ये क्या हो रहा है? अब कहो मुन्नी, इस मुन्ने से शादी करोगी? हाँ। देखा मुन्ना, उल्लू के पट्टे, देखा बुढ़े का कमाल। अब जाके दौड़ो अपने बाप से, कहो कि अकबर इलाहाबादी का फीता फिर जीता। उल्लू के चरके बहुत फुदकता है। ये गिरता ज्यादा चलता कम है, साला उल्लू का पट्टा। मीना, थैंक गॉड। अरे मीना, माँ कहाँ है? पता नहीं। हाँ? पता नहीं इन्होंने कहाँ छुपा रखा है। अच्छा, तुम एक काम करो, बुर्का पहन लो। क्यों? जैसा कहता हूँ वैसा करो, टाइम बहुत कम है। क्विक क्विक चलो। देखा बेगम अकबरी, अकबर इलाहाबादी का कमाल। अजी कुछ तो शर्म कीजिए मियाँ, दोनों पैर कब्र में हैं और आप तो। अजी हाथों में जुम्बिश नहीं लेकिन आंखों में तो दम है, और फिर आप तो मिश्री की जली हैं। जी चाहता है अंकल, के... अंकल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर आ ही गए ना आप पे। आप पे कहाँ है तुम्हारा बाप? वो बैठा बुड्ढा। चलो आगे झाड़ो, आंटी लग जाएगी। क्यों मियाँ बुराओ मुंह लटकाए खड़े हो? अब तो मुन्नी ने भी हाँ कह दी है, सजा दो इस महल को, हंगामा बर्पा कर दो हर तरफ। वो क्या है मास्टर, कि जिसे शादी के इंतजाम का कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो दिल के दौरे का शिकार हो गया है। बेचारा इतना डर गया यहाँ आने से। नो प्रॉब्लम, ये तो मेरा डायलॉग है। बुजुर्ग बात करे तो बच्चे नहीं बोलते बीच में। जी हजरत, नाच गाना बैंड बजवाना ये सब हम पर छोड़ दीजिए, ऐसी रौनक डालेंगे, ऐसा हंगामा बर्पा करेंगे कि आप सब सात पुश्तों तक याद रखेंगे हम। डैडी डैडी, ये कॉन्ट्रैक्ट आप टेलर अंकल को दे दीजिए, अगर मीना का मूड खराब हो गया तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। सारा इंतजाम तुम पर। अब आप भी तुम पर आ गए? क्या है कि जब असली खराब हो तो नसल का ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा मियां, हम आपको शादी के बाद आपकी तमीज सिखा देंगे। खुदा हाफिज। शीघ्र ले आओ तुम लड़की, लड़की 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 ओ लड़की लड़की आ लड़की लड़की है आया जोड़ा सजाने। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई कहानी तुमको सुनाने आए हैं हम।
छुआ। सजनी पे दिल आ गया, क्यों सजनी पे दिल आ गया। बिना तू अब तो आजा, शोला का मन दहके आके बुझा जा। हर तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे गले लगा जा। उसके बाप ने यू आर बुल्ली, बेबी का तकदीर खुली जब वो हमको मिली। फादर एंथनी जिधर भी पहुंचा उधर मच गया सनसनी। जो बेटा शनी, यस फादर, बेबी से शादी बनाएगा, यस फादर, ये बेबी का नानी, ओ यस फादर, बेबी को बनाएगा धनी, यस फादर, एंड टेक ऑफ फॉर मैरिज शनी, यस फादर, यस फादर।
धरती पे लाने वाला चाहिए, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, लोगों की खटिया उठाने वाला चाहिए, बता है बाजा बजाने वाला चाहिए। कभी नहीं हो सकते। ये तो हो चुका है डैडी, अब ये भिखारन नहीं है, आपकी बहू है, इस घर की इज्जत है, हमारे घर की मर्यादा है, मिसेस शैनी है, नो प्रॉब्लम। शायद मीनू यही चाहती थी। शिट माय वाइफ। हरामजादा, भुजंग की लंका में आग लगा दी।
बुजंग करके मैंने तेरी बू निकाल दी बुजंग, अब बाकी की जिंदगी जेल की कालकोठरी में गुजरेगी बुजंग एंड सन्स की। बुली अंकल, मुझे छोड़ के। पिताजी, मैंने अपनी मिसेस के कहने पर अपना वीडियो कैमरा और सारे वीडियो कैसेट्स पुलिस को दे दिए जिसमें आपके सभी जुर्मों का आंखों देखा हाल है। हम हनीमून पे जा रहे हैं ससुर जी, हमें आशीर्वाद नहीं देंगे। मेरे बेटे, इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। अच्छा। कमिश्नर बनकर मेरा सपना तो पूरा हो गया, अब मैं अपनी बेटी के अरमान पूरे करने आया हूँ। एक्सक्यूज मी, जोकिंग। मेरी भी शादी करा दो ना। अरे बुली, बुली साहब, बुली साहब, बुली साहब, अरे बुली साहब, बुली साहब, क्या है ये? देखो मेरा भाई डाकू गुल्ली, तेरे जैसा दिखता है ना बुल्ली, इनाम 10 लाख। इसके बदले में तू अंदर बैठता है क्या? आधा तेरा आधा मेरा। हम ऑल इंडिया फकीरों का दफ्तर खोलेंगे और तेरे को हेड फकीर बनाएंगे। शट अप, यू शट अप। वाह क्या सीन है। अंगूठी में नगीना